हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जो है माइंस इंस्पेक्टर के लिए है। ये वैकेंसी माइंस इंस्पेक्टर के लिए है। बाकी अदर प्रोफाइल के लिए अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, लाइक इंजीनियर, डॉक्टर, नर्स, अकाउंटेंट, स्टेनोग्राफर, क्लर्क या बैंकिंग जॉब या किसी और प्रोफाइल के लिए अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, तो कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ई एजुकेशन के प्लेलिस्ट आप विजिट कीजिएगा, वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू से रिलेटेड बहुत सारे जो है डिफरेंट प्रोफाइल की जो है वैकेंसी के बारे में आपको पता चलेगा। वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ स्पेसिफिक चीज़ जानना है, कुछ स्पेसिफिक प्रोफाइल के बारे में आपको, लाइक वैकेंसी के बारे में जानना है, तो आपको सिंपली मुझे कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा। आप प्लीज़ आप मुझे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन। सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। वहाँ आके आप हमें कोई भी एजुकेशनल और रीडिंग मटेरियल से चीज़ें पूछ सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, सो आज हम डिस्कस करेंगे माइंस इंस्पेक्टर के बारे में, जिसमें कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें कवर करेंगे। सैलरी स्ट्रक्चर की बात करें तो 44,900 रुपया जो है बेसिक सैलरी होगा, 142,000 रुपया मैक्स सैलरी होगा, और ये 44,900 के अलावा आपको पीएफ मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगा, एचआरए मिलेगा, टीए, बोनस, लॉट्स ऑफ अदर थिंग इसके अलावा मिलेगा एवरी मंथ। राइट फ्रेंड्स, सो डिस्कस करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। राइट, कैसे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एप्लीकेशन फीच एंड एवरीथिंग। राइट, और डिस्कस करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द नोटिफिकेशन क्विकली फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो आपके दिमाग में आएगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस के द्वारा रिलीज किया गया है ये वैकेंसी, तो क्या अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं फ्रेंड्स। माइंस इंस्पेक्टर की प्रोफाइल है, आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो राजस्थान से, वेस्ट बंगाल या साउथ नॉर्थ ईस्ट से, कहीं से भी हो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें डेट की बात करें तो 4 जून जो है स्टार्टिंग डेट है अप्लाई करने का, और रजिस्ट्रेशन ख़त्म हो जाएगा 1 जुलाई 2022 को, और लास्ट डेट है फॉर्म सबमिशन का 4 जुलाई। राइट, तो ये है डेडलाइन। राइट, इसके अलावा अगर हम बात करें नंबर ऑफ़ वैकेंसी की, नंबर ऑफ लाइक एग्जामिनेशन का जो स्टेज है कितने नंबर में, क्योंकि इसमें 3 स्टेज में एग्ज़ाम होने वाला है, तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो यहाँ पे जनरल के लिए और इकोनॉमी का सेक्शन के लिए जो है ओबीसी के लिए 125 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, एससी एसटी के लिए 65 रुपीज़, हैंडीकैप्ड के लिए 25 रुपीज़, एक्स सर्विसमैन के लिए 65 रुपीज़, दिस इज़ द एप्लीकेशन फ़ी। राइट, और रिजर्वेशन जो है फ्रेंड्स, ये सिर्फ यूपी स्टेट के कैंडिडेट को ही मिलेगा, बाकी अदर स्टेट के कैंडिडेट जो है जनरल में आएंगे। राइट, तो अब इसमें बात करते हैं फ्रेंड्स आपका सैलरी स्ट्रक्चर एंड ऑल दिस। तो सैलरी स्ट्रक्चर जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ देखिए पर्सनली नंबर ऑफ वैकेंसी इज 20 55, ठीक है, और सैलरी है 44,900 से लेके 142,400 तक। तो ये बैंडविड्थ है इस सैलरी स्ट्रक्चर का। इसके अलावा ये बेसिक सैलरी जो है 44,900 पे आपका लाइक 12% पीएफ कटेगा, ग्रेचुटी कटेगा, एचआरए कटेगा, बोनस कटेगा एंड लॉट्स ऑफ थिंग। तो 44,900 प्लस राइट आपको ऑल दिस थिंग पीएफ एंड ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। राइट, तो ये चीज़ें हैं। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें फ्रेंड्स, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे माइंस इंजीनियरिंग में क्या मांगा है, माइंस इंजीनियरिंग में 3 ईयर डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग। राइट, तो वो इसमें अप्लाई कर पाएंगे। राइट, और इसमें जो है एज 21 से 40 दिया गया है। ऐसे कैंडिडेट जो कि एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, एंड फॉर 3 ईयर लाइक ओबीसी कैंडिडेट के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और यहाँ पे फ्रेंड्स अबाउट द मेंस एग्ज़ाम, तो कैंडिडेट जो है मेंस एग्ज़ाम को डिक्लियर द प्रीलिम्स एग्ज़ाम, तो इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे, पहला एग्ज़ाम जो होगा एंड देन फिर जाके दूसरा एग्ज़ाम के लिए आपको अलग से फ़ी पे करना पड़ेगा 225 रुपीज़ एंड 80 रुपीज़ फॉर एससी एसटी एंड 105 रुपीज़ फॉर एससी एसटी एंड 105 रुपीज़ फॉर एक्स सर्विसमैन के लिए भी। राइट, तो जब फर्स्ट पेपर आपका क्लियर हो जाएगा, देन सेकेंड पेपर के लिए फी
फिर से पे करना है, राइट। और यहाँ पे एग्ज़ाम की बात करें तो 33% निगेटिव मार्किंग है इसमें। मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, तो बहुत ही आपको ध्यान से एग्ज़ाम अटेंड करना पड़ेगा बिकॉज 1/3 निगेटिव मार्किंग है। मोस्टली क्या होता है 25% निगेटिव मार्किंग होती है, बट यहाँ पे 1/3 निगेटिव मार्किंग है। जहाँ तक सिलेबस की बात करें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्म दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज वाइज। और सिलेबस की बात करें तो ये रहा एग्जामिनेशन पैटर्न। यहाँ देखिए माइनिंग इंजीनियरिंग के लिए जनरल स्टडीज़ 25 क्वेश्चन रहेगा 50 मार्क्स का, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। जनरल हिंदी 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। माइनिंग इंजीनियर 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का, तो टोटल 300 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 150 क्वेश्चन होंगे, राइट। इसमें होगा ये रिटेल, ये है प्रीलिम्स का एग्ज़ाम। एंड मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो मेंस एग्ज़ाम में यहाँ पे देखिए क्या है, आपका क्वेश्चन पेपर जो है माइनिंग इंजीनियरिंग से रहेगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा, 200 मार्क्स के रहेंगे, तो 8 क्वेश्चन रहेगा टोटल इसमें सेक्शन ए एंड सेक्शन बी में, राइट। जिसमें कि नंबर 1 विल बी कंपलसरी, इट विल बी कम कंपलसरी अटेम्प्ट, तो 2 क्वेश्चन, राइट। तो 5 क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट करने पड़ेंगे 8 में से, राइट। और 40 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, तो 200 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स। 40 मार्क्स का 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, टोटल 8 क्वेश्चन होंगे, राइट। यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, यहाँ पे देखिए हाई स्कूल स्टैंडर्ड का जो है जनरल स्टडी साइंस, राइट। उसके बाद फिर यहाँ पे हिंदी, ठीक है, माइनिंग से रिलेटेड ये देखिए माइनिंग का यहाँ पे दिया गया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए इसका माइनिंग का कंप्लीट यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद रॉक मैकेनिक कंट्रोल, हीट ह्यूमिडिटी, राइट, अंडरग्राउंड माइट एनवायरनमेंट्स एंड वेंटिलेशंस, ठीक है। तो ये ओवरऑल सिलेबस एंड एग्जामिनेशन पैटर्न है, आप अप्लाई कीजिए। कोई डाउट होता है तो डेफिनेटली आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड मिलते हैं नए वीडियो में नए वैकेंसी के साथ। सो गुड लक फ्रेंड्स, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब ई एजुकेशन चैनल। थैंक यू।